सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, कल ही मैंने न्यूज के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का पेपर यूपी टेट के एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है। यूपी टेट का पेपर आगामी 28 नवंबर को होने वाला है। 28 नवंबर को पेपर होने वाला है। तब से जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, खासकर 2019 बैच के जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, सब लोग बहुत बहुत परेशान हो गए हैं। दोस्तों, लगातार आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप लोगों को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखना होगा और किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सभी के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए यूपीटेट की परीक्षा कौन कौन दे सकता है। आप सभी को पता है, जिन्होंने भी डीएलएड क्लियर कर लिया है, बीएड क्लियर कर लिया है, आप सभी लोग ऑलरेडी यूपीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और जो भी फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं बीएड में, जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं 2 साल के कोर्स में, वो भी दे सकते हैं। और डीएलएड में भी सेम यही है, जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर पास कर लिया है वो भी दे सकते हैं। ये ऊपरी तौर पर है। अब देखिए, यहाँ पर वही प्रशिक्षु परेशान होते हैं जिनका भी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। 2019 बैच थोड़ा सा अलग है। इसका रीजन ये है, आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि आप लोग के साथ क्या हुआ था। आप लोगों को कोरोना महामारी की वजह से प्रमोट कर दिया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में और आपको सीधे सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया गया था। तो सेकेंड सेमेस्टर की जब परीक्षा दी आप लोगों ने, तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं का एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया था। ये प्रशिक्षु बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया था। दोस्तों, आप लोग के बैक का पेपर हो चुका है और आगामी 15 अक्टूबर से पहले उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी आ जाए। और अगर 15 अक्टूबर तक नहीं भी आया तो 26 अक्टूबर तक पूरी उम्मीद है कि 26 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा था, आपने उसका पेपर दे दिया है, तो बिल्कुल आप लोग यूपी टेट देने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि आपका सेमेस्टर बैक नहीं हुआ है। आप केवल सेकेंड सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, आपका रिजल्ट आया है सेकेंड सेमेस्टर का, केवल एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है। और दूसरी चीज, आपका रिजल्ट उम्मीद है कि 15 से 20 अक्टूबर या 26 अक्टूबर से पहले आ जाए। तो 26 अक्टूबर क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि है यूपी टेट की। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले भी अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है तो भी आप यूपी टेट दे पाएंगे, और अगर नहीं भी आता है तो भी आप दे पाएंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर बैक नहीं हुआ है, आप केवल एक या दो सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। तो आप लोग बिल्कुल वैलिड है यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए। अब देखिए, ऐसे प्रशिक्षु जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगे, तो अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगा था तो इसका ये मतलब है कि इन तीनों सब्जेक्ट का क्या आपने पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट के पेपर दिए होंगे सेकेंड सेमेस्टर के। तो 8 के 8 विषयों का पेपर अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में दिया है, जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा था उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषयों के पेपर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी, आपका खासकर ऐसे प्रशिक्षुओं की बात मैं कर रही हूँ जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा था, उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट 26 अक्टूबर से पहले आ जा रहा है तो आप सभी लोग भी यूपी टेट देने के लिए बिल्कुल वैलिड हैं। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है वो एग्जाम दे सकते हैं, यूपी टेट का बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप। और आपको पता है यूपी टेट का रिजल्ट आप कब लगा पाओगे। यूपी टेट का रिजल्ट लगाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका चारों सेमेस्टर क्लियर होगा, चारों सेमेस्टर जब आपका पास होंगे आप, तभी यूपी टेट का रिजल्ट कहीं आप लगा पाएंगे। तो इसलिए यूपी टेट आप बिल्कुल दे सकते हो, और जरूरत तभी पड़ती है जब आप चारों सेमेस्टर पास हो गए हो, तभी आप यूपी टेट का रिजल्ट कहीं लगाओगे भी। तो इसीलिए जितने भी प्रशिक्षु जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है वो बिल्कुल ना परेशान हो, और जिनका सेमेस्टर बैक है यानी कि जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, उनका भी रिजल्ट 26 अक्टूबर से पहले आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पीएनपी सचिव से वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया था कि 15 अक्टूबर तक ही रिजल्ट आ जाएगा। तो पीएनपी कभी भी अपना काम सही समय पर करती नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर 15 तक नहीं आता तो भी पूरा उम्मीद है कि 26 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो 26 अक्टूबर से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि आप लोग बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे और बिना किसी झिझक के। तो 19 बैच के जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, आप सभी लोग निसंदेह यूपी टेट की तैयारी करिए। आप सभी लोगों का यूपी टेट बिल्कुल वैलिड होगा,
एकदम कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, 2016 में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु थे, 2018 में जब 68,500 वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही यूपीटेट की परीक्षा पास कर ली थी और उनको भर्ती में मान्य नहीं किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है डीएलएड में, आप चारों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में यूपीटेट पास करिए, आपका वैलिड होगा, तो आप लोग बिना किसी संदेह के यूपीटेट की परीक्षा दे सकते हैं और आप सभी लोगों का यूपीटेट वैलिड होगा। यहाँ पर मैंने बैक प्रशिक्षु, ऐसे प्रशिक्षु जो एक या दो सब्जेक्ट में केवल इनका बैक था, मैंने इनके लिए क्यों कहा कि आप सभी लोग यूपीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि जो यूपीटेट का एग्जाम होगा, जिस दिन उस दिन आपको रिजल्ट लेकर के जाना पड़ेगा, किसी भी एक सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से किसी भी एक सेमेस्टर का रिजल्ट आपको लेकर के जाना रहेगा वहां एग्जाम हॉल में, तो वहां पर चेक होता है, तो वहां पर आपके पास तो रिजल्ट रहेगा, लेकिन ऐसे प्रशिक्षु जिनका सेमेस्टर बैक हो गया है, अगर उनका भी 26 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो वो सभी लोग भी एग्जाम हॉल में बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे यूपीटेट का। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका एक या दो सब्जेक्ट में केवल बैक था, वो निसंदेह आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे बिना किसी डाउट के, आप सभी लोगों का यूपीटेट वैलिड होगा। और जो प्रशिक्षु जिनका तीन सब्जेक्ट से अधिक बैक था, तीन सब्जेक्ट में बैक था या उससे अधिक था, तो वे सभी प्रशिक्षु अपने रिजल्ट का वेट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया है अपने के सारे सब्जेक्ट का सेकेंड सेमेस्टर के, तो वे प्रशिक्षु अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो लोग भी आज से एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 26 अक्टूबर से पहले वैसे भी आपका रिजल्ट आ ही जाना है, तो इसलिए कोई भी प्रशिक्षु परेशान ना हो, आप सभी लोग यूपीटेट की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी संदेह के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, बहुत कम प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका तीन सब्जेक्ट से अधिक में बैक लगा है या सेमेस्टर बैक हुआ है। तो इसीलिए आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। और ऐसे प्रशिक्षु जिनका थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक साल तो क्लियर हो ही गया है, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तो आप पास ही हो गए हो। तो इस तरीके से आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब यूपीटेट में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएगी। यूपीटेट की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, उन वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को देखते रहोगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। तो यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको यूपीटेट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी चैनल पर। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम केवल आपको यूपीटेट की नहीं बल्कि सुपर टेट की भी तैयारी कराएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा शिक्षक बने। जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं हमारे भाई बहन, आपके लिए भी हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितना हमने अभी फ्रेश प्रशिक्षुओं के लिए की है, जो जो प्रशिक्षु प्रमोट हो गए हैं। आपके भी एग्जाम की तैयारी हम वैसे ही कराएंगे जैसे इनकी हमने कराई है। तो आप सभी लोग बिल्कुल निराश ना हो, आप सभी लोग के साथ हम हैं और आप लोग का रिजल्ट भी सही समय पर जारी हो, इसके लिए भी हम आज से ही प्रयास करना शुरू करेंगे। अपने स्तर पर ट्यूटर अभियान चाहे हमें चलाना पड़े या फिर ज्ञापन अभियान चलाना पड़े, हम आज से ही शुरुआत करेंगे कि आप सभी लोगों के भी एग्जाम सही समय पर सही टाइम से हो जाएं और आप सभी लोग भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। क्योंकि एक एक बच्चा, जितने भी 19 बैच के हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। एक या दो नंबर से बैक लेने का इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कम मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश आपका बैक लगा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको निराश हो जाना है। आप सभी लोग होप बना करके रखिए, आप सभी लोग मेहनत करिए, आपके साथ हम हैं और लगातार रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप सभी को देखिए और निसंदेह आप यूपीटेट की तैयारी करिए। किसी भी चीज के बहकावे में नहीं आना है आपको, कहीं भी और कहीं कुछ नहीं सुनने की जरूरत है। आपकी बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से बने रहोगे और सारे वीडियोस को देखते रहोगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय हिंद।